अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आपके घर में भी पोचा ख़राब हो चुका है? तो आप उसके रॉड को मत फेंकिए, बनाइए इस तरह से सिंपल से फ्लोर लैम्प। बहुत इजी है बनाना, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं फ़्लिपकार्ट से इस तरह का मॉप मंगाया था जो अभी ख़राब हो चुका है, तो इसको मैं फ्लोर लैम्प बना रही हूँ। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक स्टील बॉक्स का ढक्कन, इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और यहाँ पर ले रही हूँ मैं वाइट पुट्टी, इसमें डालेंगे थोड़ा पानी और मिक्स कर लेंगे। वाइट सीमेंट या वाइट पुट्टी आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने रॉड में एक कील की मदद से होल बना लिया है जिससे हम वायर को इंसर्ट कर सकें। इस तरह से रॉड को बीच में रखकर साइड से सीमेंट ऐड कर देंगे। आप सीमेंट भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे वाइट पुट्टी लिया है, इसको इस तरह से ऐड कर देंगे और इसे सेट होने के लिए रख देंगे जब तक ये सूख जाए। आप किसी भी चीज़ से इसको सेंटर में रखकर सपोर्ट देकर इसको इस तरह से हिलाना नहीं है, इस तरह से सेट करने के लिए रख देना है। तो चलिए अब बनाते हैं उसका लैम्प शेड। इसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक ढक्कन प्लास्टिक वाला, इसको मैंने बीच से कट कर लिया है और साइडों से चार होल बना लिए हैं। मेरे पास पुरानी रॉड पड़ी थी, इसको मैंने ऐसे फोर पीसेस में कट कर लिया है। इसको इस तरह से इंसर्ट कर देंगे और उसको लगाने के लिए एम्ब्रॉयडरी हुप जो आती है उसको लिया है और उसके ऊपर वाला पार्ट निकाल दिया है। बस हमें इस तरह से फिक्स करना है। ये रॉड्स और थोड़े बड़े हैं, इसको इसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे और सामने से थोड़ा बेंड कर लेंगे ताकि ये होल से बाहर ना निकल सके। इस तरह से मैंने चारों को फोल्ड कर लिया है। अब ले रही हूँ मैं यहाँ पे एम सील की मदद से इसको फिक्स कर देंगे। मैंने फेविकोल से ट्राई किया था मगर वो नहीं फिक्स हो सका, इसलिए मैंने लिया है यहाँ पे एम सील। इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर चारों तरफ से फिक्स कर देंगे। अगर आपके पास लैम्प शेड रेडी वाला नहीं है तो आप इस तरह से ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजीली बन जाता है। जो घर पे अवेलेबल चीज़ें हैं बस उन्हीं से ही मैंने बनाने का ट्राई किया है। ऑनलाइन में रेडी फ्लोर लैम्प्स तो मिल जाते हैं लेकिन जो हमारे हाथ से बनाने की खुशी है वो उसमें नहीं आती, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो मुझे इस तरह से फिक्स करना है ताकि वो रियल लैम्प शेड का इफेक्ट आ सके। यहाँ पर भी मैं एम सील की मदद से इसको यहाँ पर फिक्स कर रही हूँ चारों साइड से। फिक्स करने के बाद इसको हम पूरी रात सूखने के लिए रख देंगे। तो देखिए ये बनकर तैयार है। सुबह में ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, अभी ये रेडी है। तो अब बनाते हैं लैम्प शेड। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर बुकरम या कैनवस जो स्टिचिंग के लिए यूज़ होता है उसको, और मैंने यहाँ लिया है पगड़ी वाला कपड़ा जो पगड़ी बांधने के लिए यूज़ होता है वो। इसको मैंने अपने रिंग के मेजरमेंट के हिसाब से कट कर लिया है। कपड़े को कैनवस से थोड़ा बड़ा रखा है ताकि इसको अच्छे से फोल्ड करके फिक्स कर सके। तो इस तरह से रिंग को रखकर मैंने कपड़े को फोल्ड करके फेविकोल की मदद से इस तरह से कपड़े को फोल्ड करते हुए फिक्स कर रही हूँ। इसी तरह से रिंग को घुमाते हुए पूरे साइड्स को कवर कर लेना है। इसी तरह से अपोजिट साइड में भी प्लेन वाली रिंग रख कर इसी तरह से राउंड करते हुए फिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कपड़ों को लगाने वाली क्लिप्स को यूज़ कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से पकड़ सके और ड्राई हो सके। अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसको और स्टडी बनाने के लिए मैंने पानी में फेविकोल मिलाकर ब्रश की मदद से इस पर अप्लाई कर दूँगी ताकि ये रियल शेड की तरह लगे। लगाकर सूखने के लिए 1 आवर के लिए रख देंगे। तो मैंने इस रॉड को निकाल लिया है ढक्कन से। ये हमारा बेस बनकर रेडी है, इस पर मैं पेंट कर रही हूँ। पहले मैं वाइट बेस पेंट यूज़ कर रही हूँ ताकि जो भी हम नेक्स्ट कलर करें वो अच्छे से उभर कर आए और जो गैप्स इसमें दिख रहे हैं वो सब हो सके। नेक्स्ट इस पर मैं ब्लैक पेंट कर रही हूँ। ये मैं एक्रीलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ, ब्लैक वाला। पेंट कर ड्राई होने के लिए रख दिया था तो ये रेडी हो चुका है। ये इजीली हाफ से ओपन हो सकता है तो मैं इसको ओपन करते हुए इस तरह से वायर को इंसर्ट कर रही हूँ। इंसर्ट करते हुए इस तरह से फिक्स कर लेंगे दोबारा से।
मैंने वायर को इंसर्ट कर लिया है। अब यहाँ ले रही हूँ मैं लाइट होल्डर, इसको भी हम अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। वायर की एक एंड पर स्विच लगाएंगे और दूसरी एंड पर लाइट्स लगाएंगे। फाइनली हम इसमें बल्ब ऐड कर रहे हैं। पहले शेड रखकर उस पर से बल्ब लगा देंगे। तो लीजिए, हमारा फ्लोर लैम्प बनकर रेडी है। कोई गेस नहीं कर पाएगा कि इसको हमने पोछे के रॉड से बनाया है। तो आप भी पोछे का इस तरह से यूज़ कर सकते हो। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह।